लोकसभा में पास हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 के खिलाफ देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। देश भर में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल की वजह से ज्यादातर अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद है, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। हड़ताल में लगभग 3 लाख डॉक्टर शामिल हैं। बच्चे को उल्टे दस्त लग रहे हैं, अच्छा। उसके दवाई दुआने आए थे, हाँ। तो आज हड़ताल के कारण दवाई देने फिर मेडिकल से लेनी पड़ी। अच्छा, तो परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है जी, बच्चा अब छोटा है जी, डॉक्टर बैठा ही नहीं है, डॉक्टर के हड़ताल है। डॉक्टर सरकार के NMC बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक जो अधिकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास थे वो बिल लागू हो जाने के बाद NMC के पास आ जाएंगे। क्या है NMC बिल? अब तक मेडिकल शिक्षा, मेडिकल संस्थानों और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी थी, लेकिन बिल पास होने के बाद NMC विधेयक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेगा। बिल के तहत 3.5 लाख नॉन मेडिकल लोगों को लाइसेंस देकर सभी प्रकार की दवाइयां लिखने और इलाज करने का कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, जिसका डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। जो आज की हड़ताल है, इसका बेसिक मुद्दा ये है कि पहले हमारी MCI थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने चलो जैसे भी है इन्होंने डिसॉल्व करके और एक NMC बना दी, नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन, बहुत बढ़िया। अब उसमें क्या है, इन्होंने एक लेटेस्ट एक बिल लेके आए हैं जिसके अनुसार दो चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने रखते हैं जिसकी वजह से हड़ताल रही है। नंबर एक के एक इन्होंने ब्रिज कोर्स रख दिया। ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि जैसे हम एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर के बाद MBBS के बाद जाके डॉक्टर बनते थे, उसके बाद PG करके 3 साल वो लगाते थे तो काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये तो स्टेप वाइज थे, सीढ़ी चढ़ चढ़ के थे, इन्होंने एक लिफ्ट लगा दी, लिफ्ट में GMS, BMS, यूनानी, आयुष, झोड़ा छाप डॉक्टर, वो कहते हैं भाई तुम छः उसका वो करके 6 महीने का कोर्स करवा देंगे और तुम इनके लेवल पे खड़े हो जाओगे। डॉक्टरों के हड़ताल का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। R9 TV के लिए राघवेंद्र की रिपोर्ट।